नमस्कार साथियों, वैसे अभ्यर्थी जिनका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है 12 जून के बाद, उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, छोटे से सेशन के माध्यम से जितने भी तूफान आए हुए हैं 2014 से लेकर के 22 तक में, वो सारे तूफान को, वो सारे साइक्लोन्स को मैं कंप्लीट करवा दूंगा और चुटकियों में मैं आपको याद भी करवा दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ से लेवल 6 के अंदर एक प्रश्न पूछा भी गया था कि भाई तौकते जो है वो कौन से क्षेत्र को इफेक्ट किया था, तौकते तूफान, तो वो सारे तूफान को आज देख लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 2014 में देखते हैं, एक तूफान आया हुआ था हुदहुद नाम का, ठीक है। तो हुदहुद के विषय में देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। हुदहुद वाज द स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन विच कॉज डैमेज टू विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश। आपको मेनली याद रखना है कि भाई जो तूफान आया वो कहाँ से उठा और किसको डिस्टर्ब किया था, कौन से राज्य को इफेक्ट किया था, ठीक है। विशाखापट्टनम और विजाग अलॉन्ग विद द ओडिशा वॉज मोस्टली अफेक्टेड बाई हुदहुद। एटलीस्ट 124 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स एज स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन स्वीप्ट अक्रॉस द स्टेट ब्रिंगिंग द मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो मेनली आपको यहाँ से याद रखना है फ्रेंड्स कि ये कहाँ, कौन से राज्य में तबाही मचाया, तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, कौन से क्षेत्र में, विशाखापट्टनम में, ठीक है, और साथ साथ ओडिशा में। तो हुदहुद कब आया, 2014 के अंदर, और किसको तबाही मचाया, तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के क्षेत्र में और साथ में ओडिशा के क्षेत्र में, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आपका साइक्लोन वर्दा, तो ये 2016 के अंदर आया हुआ था, इसके विषय में जानकारी लेते हैं। तो वर्दा ब्रॉट हेवी रेनफॉल टू अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड देन क्रॉस्ड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड अफेक्टेड चेन्नई कांचीपुरम एंड विशाखापट्टनम। 38 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन द अपर मैथ ऑफ द साइक्लोन। तो फ्रेंड्स वर्धा के विषय में देखिए दिया गया है कि मेनली भाई ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को प्रभावित किया था और बाद में चल के ईस्टर्न कोस्ट से टकराया था, यानी पूर्वीय तटीय क्षेत्र से, ठीक है। तो जिसमें से मुख्य रूप से चेन्नई प्रभावित हुआ था, विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ था। तो साइक्लोन वर्दा के विषय में आपको पता चल गया फ्रेंड्स कहाँ कहाँ इफेक्ट किया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और ईस्टर्न कोस्टल एरिया को, जैसे चेन्नई और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइक्लोन ओखी, जो कि 2017 के अंदर आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला है कि ओखी वॉज द मोस्ट इंटेंस एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द 2017 नॉर्थ इंडिया इंडियन ओशियन साइक्लोन सीजन। ओखी फ्रॉम द अरेबियन सी अफेक्टेड मेनलैंड इंडिया अलॉन्ग विद कोस्टल एरियाज ऑफ केरला तमिलनाडु एंड गुजरात। अ टोटल ऑफ 245 पीपल वेयर किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस साइक्लोन। तो देखिए फ्रेंड्स ओखी की बात करें तो 2017 के अंदर आया था, कहाँ से उठा था भाई ये, तो मुख्य रूप से जो है वो अरब सागर से उठा था। और कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया, तो ये मुख्य रूप से आपका जो है वो केरल का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र और गुजरात के क्षेत्र को प्रभावित किया था। कितने लोग मारे गए, तो 245। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि कहाँ से उठा था, तो अरेबियन सी से, और कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया, तो केरला तमिलनाडु और गुजरात। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो समझ में आ गया होगा ओखी के बारे में, ओखी कब आया 17 के अंदर, कहाँ से उठा, अरब सागर से, और किसको प्रभावित किया, तो तमिलनाडु, गुजरात और केरला के क्षेत्र को। आप देखते हैं फ्रेंड्स 2018 के अंदर तितली जो आया हुआ था, इसके विषय में तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तितली वॉज अ डेडली एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट मेड लैंडफॉल ऑन अक्टूबर 10, 2018 ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ गोपालपुर नियर द पलासा इन आंध्र प्रदेश। हाउएवर 8 डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा सच एज गंजम, गजपति, खोर्धा, पुरी, जगदीशपुर, केंद्रपारा, भद्रक एंड बालासोर वेयर अफेक्टेड बाई साइक्लोन। तो देखिए फ्रेंड्स साइक्लोन तितली के विषय में बोला गया है कि भाई ये खास करके साउथ वेस्ट जो दक्षिण पूर्वी कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, उसको प्रभावित किया था और मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश के साथ में फ्रेंड्स ओडिशा के 8 डिस्ट्रिक्ट को भी ये प्रभावित किया था। यहाँ पे 8वां डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको दिया गया है, आप फिर से देख सकते हैं, गजपति, खोर्धा, पुरी, जगत सिंहपुर और केंद्रपारा, भद्रक, बालासोर, ये प्रमुख रूप से 8 राज्य थे, सॉरी 8 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि प्रभावित हुए थे उड़ीसा से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स साइक्लोन फानी के विषय में बताया गया, जो कि 2019 के अंदर आपका आया हुआ था। फानी के विषय में देखिए तो लिखा हुआ है, फानी वॉज टर्म्ड एज द एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट हिट द इंडियन स्टेट्स ऑफ ओडिशा इन मई। तो भाई देखिए साइक्लोनिक फानी की बात करें तो ये मई के अंदर जो है वो ओडिशा को प्रभावित किया था। इट वॉज इक्विवेलेंट टू हाई एंड कैटेगरी 4 मेजर हरिकेन। इट लिफ्ट लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन किलिंग ओवर 40 पीपल, और लगभग 40 लोगों की इससे जान गई थी, ठीक है। तो फानी के विषय में याद रखना है कि भाई कब आया, तो 2019 के अंदर आया था और मुख्य रूप से ये किसको प्रभावित किया, तो ओडिशा के क्षेत्र को ये प्रभावित किया है, ठीक है। अगला है साइक्लोन बुलबुल,
तो तूफान बुलबुल के विषय में देख लेते हैं, जो कि 2019 के अंदर आया था। तो बुलबुल वाज द सेकेंड साइक्लोन इन द 2019, द वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बुलबुल स्ट्रक द ईस्टर्न स्टेट ऑन द नवंबर 9, 2019 नियर सागर आइसलैंड इन वेस्ट बंगाल। द स्टॉर्म कोस्ट एक्सटेंसिव डैमेज इन एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स इन अराउंड 4,90,000 एकर्स फॉर लैंड स्टेट वाइड। टू पीपुल ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइफ इन स्टॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, बुलबुल के बारे में बताया गया कि भाई कब आया, तो आपको याद रखना है 2019 के अंदर आया हुआ था। और ये मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया, तो वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता वाला क्षेत्र को प्रभावित किया। और इसका नुकसान को देखें तो लगभग 4,90,000 एकड़ के आसपास जो जमीन था उसमें फसल लगे हुए थे, वो सारे फसल बर्बाद हो गए और लगभग 2 लोग भी इसमें जान दे दिए। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ बातें थी आपका बुलबुल के विषय में। कहाँ से आया भाई, कब आया, तो 2019 के अंदर। कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया, तो वेस्ट बंगाल के क्षेत्र को प्रभावित किया। कितने एकड़ जमीन बर्बाद हुई, तो 4,90,000 एकड़ के आसपास जो फसल लगे हुए थे वो सारा बर्बाद हो गया और लगभग 2 लोग भी इसमें जान अपना गंवा दिए। अगला है फ्रेंड साइक्लोन अम्फान, जो कि 2020 के अंदर आया हुआ था। देखिए, द सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फान वाज द पावरफुल एंड डेडली साइक्लोन कॉजिंग डैमेज इन ईस्टर्न इंडिया एंड बांग्लादेश इन मई 2020। इट मेड इट लैंडफॉल नियर भागाली इन वेस्ट बंगाल ऑन मई 2020। द साइक्लोन विच वॉज फर्स्ट प्री मानसून सुपर साइक्लोन फॉर दिस सेंचुरी क्लेम्ड लिव्स एंड लाइफ्स एंड डेमेज प्रॉपर्टी इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। इट ऑल्सो इफेक्ट एटलीस्ट 44.45 लाख पीपल इन 98,333 विलेज एंड 22 अर्बन बॉडीज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेनली आपको यहाँ से याद करना है कि भाई अम्फान जो है वो कब आया, तो 2020 के अंदर आया हुआ था और कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया। तो बांग्लादेश को प्रभावित किया वो याद नहीं रखना है, मेनली अपने देश के अंदर कौन सा क्षेत्र को, तो ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत को। ठीक है, और पूर्वी भारत में भी मेनली कौन से क्षेत्र को, तो मुख्य रूप से आपका पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता वाला क्षेत्र को और साथ में उड़ीसा वाला क्षेत्र को। ठीक है, तो कोलकाता और उड़ीसा वाला क्षेत्र को ये प्रभावित किया था और लगभग देख सकते हैं कितने लोगों के जान माल की हानि हुई। तो लगभग 44 पॉइंट लगभग आप समझ सकते हैं 45 लाख के आसपास लोग इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये प्रमुख था फ्रेंड्स यहाँ से साइक्लोन जो कि 2020 के अंदर आया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, साइक्लोन तौकते की बात करें तो ये 2021 के अंदर आया हुआ था और ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के लेवल 6 के अंदर भी पूछा गया। तो देख लेते हैं तौकते के विषय में, देखिए क्या लिखा हुआ था। फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑफ 2021 साइक्लोन तौकते हिट सदर्न गुजरात ऑन 17 मई 2021। इट डेवलप्ड इन द अरेबियन सी एंड वॉज क्लासिफाइड एज वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एज मेनी एज 24 पीपल वेयर किल्ड अक्रॉस द इंडियन 3 इंडियन स्टेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, तौकते के विषय में बताया गया कि भाई ये कहाँ से इसका जन्म हुआ, तो भाई इनका जन्म जो है वो अरबियन सागर से इसका जन्म होता है। और कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो मुख्य रूप से ये गुजरात के क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और लगभग 3 स्टेट 3 राज्य मतलब आसपास गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र ये सारे क्षेत्र के लगभग जो है वो 24 से भी अधिक लोग इसमें मारे जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है तौकते। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और तूफान को आगे फ्रेंड्स आपके सामने, साइक्लोन आस। ठीक है, तो साइक्लोन आस के विषय में देखते हैं, 2021 के अंदर आ गया। यास के विषय में देखें तो विच मेड लैंडफॉल इन उड़ीसा भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑन मई 26 हैज वीकेंड इन टू अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आफ्टर बैटरिंग उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल विथ विंड स्पीड ऑफ 130 to 145 किलोमीटर पर आवर इन ऑन डेटिंग द लो लाइंग एरियाज अमिड अ स्टॉर्म सर्ज, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड। तो देखिए फ्रेंड्स, मेनली साइक्लोन यास की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है वो उड़ीसा के क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र को प्रभावित करता है। आया कब था, तो 2021 के अंदर। और इसके अंदर जो तूफान है वो कितना स्पीड से चला, तो 130 से लेकर के 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किस डेट को ये भद्रक को प्रभावित किया, तो मई 26 मई को ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट को जो कि उड़ीसा में पड़ता है इसको प्रभावित किया था। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स, साइक्लोन गुलाब के विषय में। ठीक है, साइक्लोन गुलाब की बात करें तो देखिए, दिस वाज द सेकेंड साइक्लोन इन द ईयर 2021। गुलाब वाज ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वाज नेम्ड बाय पाकिस्तान। इट अफेक्टेड द कोस्ट साउथ ऑफ ओडिशा एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश। तो मुख्य रूप से देखिए, ये गुलाब शब्द जो है वो पाकिस्तान का दिया हुआ है और ये कौन से भारत के क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कोस्ट ऑफ ओडिशा मतलब ओडिशा के तटीय क्षेत्र को और साथ में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को ये प्रभावित करता है। मुख्य रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश को ये प्रभावित करता है। अगला है फ्रेंड्स, साइक्लोन जवाद जो कि 2021 के अंदर आया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस वाज द थर्ड साइक्लोन ऑफ 2021 आफ्टर यास एंड गुलाब। द साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद वाज अ वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट कॉज्ड मेजर डिस्टर्बन ओवर आंध्र प्रदेश ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल इन द इंडिया वाइल्ड ब्रिंगिंग हेवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स ओवर दिस स्टेट्स एज अ वीकेंड
सिस्टम। तो फ्रेंड्स अगर जवाब की बात करें तो जवाब जो है वो मुख्य रूप से भारत के 3 राज्यों को प्रभावित करता है। और कौन कौन से राज्यों को? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 3 प्रमुख राज्यों को प्रभावित करता है। और 2021 में ये यास और गुलाब के बाद ये तीसरा प्रमुख साइक्लोन था। तो फ्रेंड्स 2021 तक प्रमुख हम लोगों ने देखा जो भी प्रमुख साइक्लोन तूफान था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।